अभिमन्यु या फिर अभिनव, इन दोनों में से किसको अपने पापा के तौर पर एक्सेप्ट करेगा अभीर? जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में कुछ ऐसा ही दिखाया जाएगा, जहां आप देखेंगे किस तरह से अभीर का एक बड़ा फैसला होने वाला है। तो चलिए बताते हैं सीरियल के आने वाले ट्रैक में कौन कौन से अपकमिंग ट्विस्ट आएंगे। वेल दोस्तों, आज तो मंजरी की क्लास लगने वाली है और ये क्लास कोई और नहीं बल्कि अक्षरा और मनीष लगाने वाले हैं। आप देख सकते हैं सीरियल के शुरुआत में ही दिखाया जाएगा कि किस तरह मंजरी शांत खड़ी होती है और जहां मनीष को ये बात पता चल गई है कि मंजरी अब अभिमन्यु और अक्षरा को एक होते हुए देखना चाहती है, तो इस बात से मंजरी जो है वो परेशान है। साथ ही मनीष उस पर खूब गुस्सा कर रहा है। मनीष जो है उसको खूब सुनाता है कि क्या आपको लगता है कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी अब आपको बर्बाद करने दूंगा? पहले तो आपकी वजह से अक्षरा अभिमन्यु से दूर हुई थी और अब जब अभिनव के साथ अक्षरा खुश है तो आपको ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतना ही नहीं, स्वर्णा जो है वो भी मंजरी को सुनाती है और कहती है, मुझे तो लगता था आप कभी कभी नादानी कर जाती हैं, लेकिन मुझे भी बहुत ज्यादा शौक लगता है क्योंकि आप जिस तरह से बात करती हैं वो बहुत गलत है। और ये सारी बातें अक्षरा, अभिमन्यु, अभिनव तीनों खड़े होकर सुन रहे होते हैं। आरोही भी परेशान है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि किसी भी फैसले का डायरेक्ट असर जो है वो आरोही की जिंदगी पर भी जरूर पड़ेगा। अब यहीं पर आप देखेंगे मंजरी जो है बोलना शुरू करती है और कहती है, आप लोगों को लगता है मैंने ये फैसला अपनी खुशी के लिए लिया है, लेकिन आप एक बार अभीर के बारे में सोचिए कि अभीर पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि उसके मम्मी पापा एक छत के नीचे नहीं रहते हैं। तभी आप देखेंगे किस तरह से अक्षरा जो है वो मंजरी के सामने खड़ी हो जाती है और फिर उसे खूब सुनाती है और कहती है, आपके इस फैसले में मैं कभी आपका सपोर्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरे अभिनव जो है वही बहुत अच्छे हैं। और अभिनव ये सारी बातें सुन रहा होता है, वहीं पर खड़ा हुआ अभिमन्यु बिल्कुल शांत होता है। तो वहीं आप देखेंगे दूसरी बार अभिनव भी बोलता है, वो कहता है कि अरे छोड़ो ना, इतना ड्रामा हो रहा है तो जो सही लग रहा है वही कर लो। लेकिन आप देखेंगे मनीष जो है उसे शांत करवा देता है। अब मंजरी जो है वो भी शांत है। मनीष ने एक बड़ा फैसला लिया है, उन्होंने कहा है कि अगर अभीर की कस्टडी जो जीतेगा अभीर उसी के पास रहेगा। अब जो है फैसला हो चुका है, मंजरी ने भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो वहीं नया प्रोमो आ चुका है। प्रोमो में आप देख सकते हैं अक्षरा अभिनव के पास खड़ी है, उसके आंसू पोंछ रही है और कह रही है कि अब अभीर को सच बताने का टाइम आ गया है। तो वहीं अभीर जो है उसको सच बताने ये लोग चले गए हैं। यहाँ पर अक्षरा अभीर से कह रही है कि अभीर बेटा, हम तुम्हारी कस्टडी के लिए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं पूरा परिवार खड़ा है, पैकिंग हो चुकी है, सबके सब जो है उदयपुर जाने के लिए तैयार है। लेकिन तभी अभीर ने बोल दिया है कि पहले मुझसे तो पूछ लो कि मुझे किसके साथ रहना है। अब इसके बाद अभिमन्यु अभिनव दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। आपको क्या लगता है अभीर किसे चुनेगा, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।